जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के सितंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप सिंह राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है, वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपने नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, सितंबर के महीने में ग्रहों के गोचर की स्थिति क्या रहेगी जान लेते हैं। सूर्यदेव 17 सितंबर से कन्या राशि में रहेंगे और इससे पहले उनका गोचर सिंह राशि में रहेगा और मंगल पूरे महीने वृषभ राशि में गोचर करेंगे और बुध पूरे महीने कन्या राशि में गोचर करेंगे और गुरु का गोचर सितंबर के पूरे महीने मीन राशि में ही रहेगा और शुक्रदेव का जो गोचर है वो 24 सितंबर से कन्या राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे, इससे पहले उनका गोचर सिंह राशि में रहेगा। शनिदेव पूरे महीने मकर राशि में गोचर करेंगे, राहु का गोचर मेष राशि में रहेगा, केतु का तुला राशि में रहेगा और चंद्रमा सभी राशियों में गोचर करेंगे, क्योंकि चंद्रमा सवा दो दिन में लगभग राशि परिवर्तन कर लेते हैं, तो उनका गोचर पूरे महीने में सभी राशियों में हो जाएगा। तो सितंबर के महीने में ग्रहों के गोचर की स्थिति कुछ इस तरह की रहेगी। तो चलिए मित्रों, राशिफल की चर्चा कर लेते हैं सिंह राशि वालों के। सबसे पहले प्रेम संबंध की बात करेंगे। प्रेम संबंध की बात करें, सितंबर के महीने में प्रेम संबंधों में आपको शुभ परिणाम मिलने वाले हैं, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति इस समय आठवें भाव में गोचर करेंगे और वहां से जो दृष्टियां होंगी उनकी पंचम दृष्टि बारहवें भाव पर होगी और सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर होगी और नवम दृष्टि चौथे भाव पर होगी। तो परिणाम तो शुभ मिलेंगे, लेकिन गुरुदेव का गोचर आठवें भाव में आपको प्रेम संबंधों में थोड़े से वाद विवाद अवश्य ही दिखा सकता है। हालांकि प्रेम के कारक ग्रह जो शुक्र हैं वो आपके प्रथम भाव में सूर्य के साथ युति में रहेंगे, क्योंकि 17 सितंबर तक सूर्य जो है आपके प्रथम भाव सिंह राशि में रहेंगे और शुक्र जो है 24 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे जब वो कन्या राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे, इससे पहले उनका गोचर भी सिंह राशि में रहेगा। तो सूर्य और शुक्र की युति होगी और उनकी दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, तो प्रेम संबंधों में आपको परिणाम तो अच्छे मिलेंगे, लेकिन आपके अहम के चलते, आपके क्रोध के चलते वाद विवाद हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए आप अपने स्वभाव में क्रोध को बिल्कुल नहीं आने दें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। अगर आपने क्रोध को नियंत्रण में नहीं रखा तो फिर आप ध्यान रखकर चलें कि 17 सितंबर तक आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ वाद विवाद संभव है और 17 सितंबर से जब सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करके दूसरे भाव में चले जाएंगे तो स्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन वाणी आपकी कठोर तब भी रहेगी। तो इस बात का ध्यान रखकर आप चलें कि आप अपने स्वभाव में बदलाव अवश्य ही करें और अपने प्रेमी प्रेमिका से कोई भी बातचीत होती है तो उसको मनाने का प्रयास भी करें, उसको समझाने का प्रयास भी करें। जो लोग प्रेम संबंधों में काफ़ी समय से संबंधों में हैं, वो अगर अपने प्रेम संबंधों को लेकर कोई भी वाद विवाद करते हैं तो उनके वाद विवाद बढ़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और अगर आपके पुराने प्रेम संबंध हैं तो वहाँ पर वाद विवाद से ज़्यादा बचकर रहना है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, तो 17 सितंबर तक का ऐसा समय है जब आपके जीवन में कोई ना कोई साथी आ सकता है। अगर आपके किसी के साथ मित्रवत संबंध चल रहे हैं और आप उन संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं तो वहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं और आपके मित्रवत संबंध प्रेम संबंधों में बदल सकते हैं। और अगर आप किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी 17 सितंबर तक का समय ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पर आपके प्रयास ज़्यादा सफल होने के चांस बने रहेंगे। और अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, कोई वाद विवाद चल रहा है और आप उस वाद विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इस महीने का जो समय है 17 सितंबर तक का ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसके बाद आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। प्रयास करें कि 17 सितंबर से पहले पहले अगर आपके कोई वाद विवाद हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, वो बदल जाए और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल जाए तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा और 17 सितंबर के बाद प्रेम संबंधों में सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन पूरे महीने की अगर बात करें तो प्रेम संबंधों में आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है, अहम से बचना है, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे।
वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव पर सूर्य की दृष्टि आपकी वाणी में अहम की भावना बढ़ाएगी, इसलिए आप यहाँ पर भी अपने गुस्से के चलते, अपनी भाषा के चलते, अपने शब्दों के चलते अपने जीवन साथी के साथ फालतू की बात विवाद कर सकते हैं, जिसके लिए फिर बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि अपने साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करें और अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जाएं, लेकिन आप शब्दों का चयन सही करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप शब्दों का चयन सही नहीं करते हैं तो बात विवाद देखने को मिल सकता है। आपके सप्तम भाव के स्वामी का गोचर भी अपने से बारहवें यानी छठे भाव में होगा, तो वहाँ पर आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखकर चलना होगा और वाद विवाद से भी बचना होगा। दोनों बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होगा। अगर आप इन दोनों बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो जीवन साथी से संबंध आपके अच्छे नहीं रहेंगे। अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई भी मतभेद चल रहे हैं, आप उन मतभेदों को समाप्त करना चाहते हैं, तो 17 सितंबर से पहले प्रयास ज़्यादा जरूरी है। लेकिन ध्यान रखें कि आपको इन तीन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि वाणी पर संयमित रखना है और शब्दों को सही चुनाव करना है और अहम से बचना है, तभी आपकी बातचीत बन पाएगी, वरना वाद विवाद और भी बढ़ जाएंगे। तो इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और ससुराल पक्ष के लोगों से भी आप इस महीने, पूरे महीने इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ पर कोई भी बातचीत करते वक्त शब्दों का सही चुनाव करें, वरना वहाँ वाद विवाद हो सकता है। और ख़ासकर 17 सितंबर से जो समय होगा 30 सितंबर तक का, वहाँ पर ज़्यादा ही चांस रहेंगे कि आपकी वाणी के चलते वाद विवाद हो सकता है। और अगर आपके ससुराल पक्ष के लोगों के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है और आप उसे समाप्त करना चाहते हैं तो वो 17 सितंबर से पहले समाप्त करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आपकी वाणी में अहम की भावना और भी बढ़ सकती है। हालांकि पूरे महीने आप में अहम की भावना देखी जा सकती है, क्रोध की भावना देखी जा सकती है। जो मंगल का गोचर है वो आपके दशम भाव में बना रहेगा और चौथी दृष्टि उनकी वहाँ पर बनी रहेगी आपके प्रथम भाव पर। तो इसलिए ये भी ध्यान रखकर चलें कि आप इन बातों का जो मैंने बोला है ध्यान रखें किसी भी संबंध में, तभी आपके लिए संबंध अच्छे हो पाएंगे। चलिए सिंह राशि वालों के संक्षिप्त में सामान्य राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। तो सितंबर का महीना सिंह राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम देगा, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी का गोचर दशम भाव में होगा और शुक्र और सूर्य की युति आपके प्रथम भाव में होगी, 17 सितंबर तक होगी। यहाँ पर आप में उत्साह देखने को मिलेगा, आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा और 17 सितंबर से आपके राशि स्वामी दूसरे भाव में हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें तो आपको करियर की दृष्टि से व्यापार कारोबार हो चाहे नौकरी हो, अच्छे अवसर मिलेंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो वहाँ पर भी आपको अच्छे लाभ मिलेंगे, प्राइवेट जॉब में हैं तो वहाँ पर भी अच्छे लाभ मिलेंगे। शर्त यही है आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से, अपने बॉस से संबंध अच्छे रखकर चलने हैं। और मंगल आपके दशम भाव में रहेंगे, चौथे भाव पर दृष्टि रखेंगे, पंचम भाव पर दृष्टि रखेंगे, दूसरे भाव पर दृष्टि रखेंगे, तो आपको यहाँ पर अच्छे परिणाम ही कार्य क्षेत्र में मिलने वाले हैं। और आपकी समझ के चलते, आपकी मेहनत के चलते आपके व्यापार कारोबार और नौकरी में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। छात्रों के लिए समय अच्छा रहेगा, वहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शिक्षा में भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। गुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में रहेंगे तो शिक्षा में अगर आप कोई गूढ़ रहस्य अध्ययन कर रहे हैं, कोई रिसर्च आदि पर अध्ययन कर रहे हैं, कोई उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और शनिदेव आपके छठे भाव में रहेंगे जो कि छठे भाव के स्वामी भी हैं, तो अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और आपने अच्छे से मेहनत की है तो वहाँ पर भी आपको सफलता मिल सकती है। ज़्यादा मेहनत करें, आत्मविश्वास को बनाए रखें, आप सफल हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य का गोचर भी 17 सितंबर तक आपके प्रथम भाव में रहेगा। तो अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्जाम 17 सितंबर से पहले है तो आपके लिए अच्छा मौका है, आप ज़्यादा मेहनत करें, आपको सफलता मिल सकती है। पारिवारिक जीवन में भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको परिवार के सदस्यों के साथ खासकर 17 सितंबर से किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना है, अहम से बचना है, वाणी पर संयम रखना है, इन बातों का ध्यान रखना है। और स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में, हालांकि अगर आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो वहां पर आपको आराम देखने को मिलेगी, लेकिन छठे भाव के स्वामी का गोचर है तो इसलिए आपको खाने पीने में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, पेट से संबंधित कोई समस्या है तो उसका आपको विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। स्वस्थ दिनचर्या अपनानी होगी, योग प्राणायाम करना होगा, तनाव से बचना होगा और सूर्य भगवान को रोजाना आप जल अर्पित करें, ये उपाय आप करें। और सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से रोजाना सुबह सुबह जल अर्पित करें, उसमें आप गुड़ डाल सकते हैं, लाल फूल डाल सकते हैं और आप लाल चंदन डाल सकते हैं और ये डालकर आप जल दें। और रविवार वाले दिन रोजाना जल तो आप रोजाना अर्पित करें और रविवार वाले दिन आप श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें, सूर्य भगवान के सामने करें, आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। और अगर आपको बहुत कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो अपने वजन के बराबर गेहूं का दान भी आप कर सकते हैं तो इससे भी आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा।
तो मित्रों आज मैंने आपसे सिंह राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतरदशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।